Good morning, students. Today I will teach you third standard English medium poem number 17, Curiosity. Curiosity means क्या होता है? जिज्ञासा, मतलब जो हम imagine करते हैं, जो हम सोचते हैं अपने दिमाग में. ठीक है, तो ये poem बहुत ही अच्छा है. Listen carefully. What makes it winter and then spring? Which are the children butterflies? यानी कि इस अर्थ पर कितने सीज़न होते हैं? थ्री सीज़न, है ना? तो उसमें से विंटर और स्प्रिंग क्या लाते हैं? विंटर में देखो सब स्नो दिखाई देता है और स्प्रिंग सीज़न में ग्रीनरी एरिया दिखाई देती है ना? तो व्हाट आर द चिल्ड्रन बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाई है वो बटरफ्लाई का सर्कल कैसा होता है, उसका चाइल्ड कैसा होता है? एक एग से, फिर एक कैटरपिलर से, फिर ये ग्रीन वाला, फिर वो बटरफ्लाई उसके विंग्स आते हैं. तो वो सोचता है कि देखो कैसे कैसे इनकी ग्रोथ होती है, सीज़न कैसे बदलते रहते हैं, तो वो सब देखता है. उसे बोलते हैं क्यूरियोसिटी. व्हाई डू पीपल कीप विंकिंग देयर आईज, हमेशा आप इंसानों को देखो वो अपनी पलके झपकते रहते हैं, अपनी जो आईज रहती है वो विंकिंग करते हैं, यानी कि झपकना. वेयर डू बर्ड्स स्लीप, बर्ड्स लोग कहाँ सोते हैं और कैसे सोते हैं? हम तो लेट के सोते हैं लेकिन बर्ड्स बैठे बैठे ही सोते हैं. आप ये पिक्चर में देख सकते हो. ठीक है, डू बीज लाइक टू सिंग, टेल मी प्लीज एवरीथिंग, प्लीज़ मुझे बताओ जो बीज है, जो मधुमक्खी है, वो अपने पीछे डंक से इंसानों को कैसे मारती है और पूरा हाथ में स्वेलिंग हो जाता है. तो वो देखो ये सब जो हमारे अर्थ पर होती हैं वो कितना इमेजिनेशन है, देखने वाली चीज़ है कि ये कैसे लोग करते हैं काम. टेल मी आई वॉन्ट टू नो वॉट मेक्स लीव्स ग्रो इन द शेप दे ग्रो, यानी कि लीव्स छोटे से कैसे दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं और उसी में से और न्यू लीव्स आते हैं और दुनिया में ऐसे कितने लीव्स हैं, कितने सारे शेप के हैं. सबसे बिगर लीव कौन सा होता है? बनाना ट्री. और बहुत सारे ऐसे तुलसी का और वेजिटेबल लीव्स, बहुत सारे लीव फ्लावर्स के लीव्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स के लीव्स अलग अलग शेप में होते रहते हैं. तो कैसे बढ़ते हैं ये पोएट देख के इमेजिन कर रहा है. व्हाई डू गोल्ड फिश कीप च्युइंग, आप फिश को देखो तो अपना मुंह हमेशा चबाते रहते हैं. हाँ, एंड रैबिट्स वर्बल देन नोजेस, यानी कि वो नोज से हमेशा सूंघते रहता है, इसे हिलाते रहता है. जस्ट फ्रॉम हैबिट्स, ये सब उनकी खुद की आदतें हैं. वेयर डज द विंड And when it goes away, go. और ये कहाँ जाता है ये विंड, ये जो हवा है वो किस तरफ से बहता है और कहाँ जाता है ये सब सोचता रहता है. Tell me or don't even grown-ups know. और ऐसे मत बताओ कि ये इसका आंसर ही नहीं. अब बताओ हवा कहीं से भी, अब ईस्ट से बहता है, वेस्ट से बहता है, पश्चिम से बहता है, तो ये बहुत चारों जगह से जब बहती है हवा तो हमें पता थोड़ी ना चलता है वो कहाँ पे जाके स्टॉप होने वाली है. ठीक है, तो ये सब इमेजिनेशन पोएट करता है. तो हमारा ये क्यूरियोसिटी का पोयम ये फिनिश्ड होता है. ओके.